हेलो फ्रेंड किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे बच्चे मक्के और बाजरे का आटा नहीं खाना चाहते हैं, जबकि जाड़ों में मक्के और बाजरे का आटा खाना बहुत अधिक हेल्दी होता है। आज मैं आपको मक्के और बाजरे के ऐसे बिस्किट बताऊंगी कि आपके बच्चे मांग कर फिर मक्के और बाजरे के बिस्किट ही खाना पसंद करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। इन मक्के और बाजरे के बिस्किट बनाने के लिए मैंने एक पैन में एक गिलास पानी लिया है और अब इस पानी में मैं 100 ग्राम के करीब गुड़ डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने लड्डू गुड़ में बना रहे हैं। अगर आप भी इसे चीनी में बनाना चाहते हैं तो एक कटोरी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में बना हुआ चीज़ें बहुत अधिक हेल्दी होती हैं। साथ ही साथ जाड़ों में गुड़ खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है। सारा गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैं एक कटोरी भर के मक्के का आटा डाल दूंगी। एक चौथाई मैंने इसमें सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तिल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अधिक हेल्दी होते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये फ्रेश कुटी हुई इलायची है, अगर आपके पास पिसा हुआ पाउडर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है। कभी भी आप कोई मीठी चीज़ बनाएं उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए, उससे उसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब जो हमने गुड़ का पानी बनाया था उसे थोड़े थोड़े करके हम इसमें डाल देंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, मक्के या बाजरे के आटे में थोड़े पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गुड़ को हमेशा छान कर ही डालिएगा क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अच्छे से गूंथ कर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। और ये देखिए हमारे मक्के का आटे का अच्छा सा डो बनके तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा गूंथ लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लूटन उत्पन्न हो जाए। वैसे मक्के के आटे में ग्लूटन बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए ये आटा बहुत जल्दी टूटता है। और सारे आटे को अच्छे से सेट करके हम रख देंगे। इसके ऊपर एक चम्मच घी डाल देंगे जिससे आटा चिकनावट रहे। अब एक दूसरे मिक्सिंग बोल में मैंने एक कटोरी बाजरे का आटा लिया है, उसमें भी एक चौथाई भरकर हम तेल डाल देंगे, आधा चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, एक पिंच नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भी हम गुड़ का पानी छान छान कर डालते रहेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा डो बनके तैयार हो रहा है। इसे भी थोड़ा सा गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, इस आटे में मैं इलायची का पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए अब इलायची का पाउडर डाला है। अच्छे से उसे भी मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारे बाजरे का आटा भी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी 10 मिनट को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है
और ये लीजिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इधर हमारा 10 मिनट हो गए हैं और मक्के का आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे। मैंने अपने मक्के के आटे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट की अच्छे से मैंने लोई बना ली है और एक फ्लैट सरफेस पर इसे फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे ताकि ये थोड़ा चिकना हो जाए और बेलने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, ये आटा टूटता बहुत है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपका आटा जैसे भी बेलना हो इसे बेल लीजिए। इसकी किनारियां थोड़ी फटती रहती हैं। ज्यादा इसको हमें पतला नहीं बेलना है। और ये देखिए, मैंने एक बिल्कुल रोटी के बराबर इसे बेल लिया है। अब इसकी किनारियां हटाकर अलग कर देंगे और इसे एक स्क्वायर शेप देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल कर अलग कर देंगे और उसका फिर से हम रीयूज कर लेंगे। अब इसको हम चार भागों में डिवाइड कर देंगे। अब चाकू को उल्टा करके हम इसमें एक लाइनों वाली डिजाइन बनाएंगे। सारे बिस्किट में इसी तरीके से डिजाइन बना लेंगे। चाकू की हेल्प से इसे बहुत ही आराम से निकालेगा क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी टूटता है। और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। इसे निकाल कर अलग कर देंगे और इसी तरीके से सारे बिस्किट्स में डिजाइन बना लेंगे और उन्हें अलग करते चलेंगे। और ये देखिए मेरे सारे बिस्किट में अच्छी सी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी तरीके से सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने बाजरे का आटा भी ले लेंगे और उसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसकी भी एक बड़ी सी पूड़ी बना लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे भी अच्छे से रोटी के बराबर बेल लिया है। अब मैंने एक कुकी कटर लिया है। आज मैंने बाजरे के बिस्किट गोल बनाए हैं और मक्के के बिस्किट स्क्वायर शेप के बनाए हैं। अगर आप और कोई शेप देना चाहते हैं तो उस शेप के भी बना सकते हैं। इसका भी एक्स्ट्रा मैदा आटा निकाल कर अलग कर देंगे और उसका फिर रीयूज कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा एक एक बिस्किट कितने अच्छे से निकल कर बाहर आ गया है। इसमें भी हम चाकू की हेल्प से इसमें डिजाइन बना लेंगे। इसी तरीके से सारे बिस्किट में डिजाइन बना लेंगे और बाजरे के भी बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखिए हमारे बाजरे और मक्के दोनों के बिस्किट बनकर तैयार हैं। गैस पर कढ़ाई में मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल को थोड़ा तेज गरम कर लेंगे और इसमें मक्के के बिस्किट डालते जाएंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से दोनों तरफ लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे बिस्किट सिक रहे हैं। एक भी बिस्किट बिल्कुल भी टूटा नहीं है। सारे बिस्किट्स को निकाल कर बाहर कर लेंगे। और ये देखिए एक एक बिस्किट कितने अच्छे से सिका हुआ है।
इसी तरीके से हम अपने बचे हुए बिस्किट भी सेक लेंगे। और ये देखिए हमारे मक्के के बिस्किट कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से कढ़ाई में हम अपने बाजरे के आटे के बिस्किट भी सेक लेंगे। इन्हें भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, वरना ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा पेशेंस के साथ सेकिएगा। और ये देखिए बाजरे के बिस्किट भी हमारे कितने अच्छे से सेक रहे हैं, एक भी बिस्किट तेल में जाने के बाद टूट नहीं रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे से सेक कर बाहर आ गए हैं, एक एक बिस्किट बिल्कुल लाल हो गया है। और इसी तरीके से हम बचे हुए बिस्किट भी सेक लेंगे। और ये देखिए मैंने बाजरे के भी सारे बिस्किट सेक कर रख लिए हैं, एक एक बिस्किट खूब अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स एक बार मेरे कहने से आप मक्के और बाजरे के बिस्किट बना कर देखिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं और आपके बच्चे पूरे जाड़ों इन्हीं बिस्किट की डिमांड करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।